मिर्जापुर के महिंद्रा एजेंसी में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई है। देहात कोतवाली क्षेत्र के भरुहना में स्थित महिंद्रा एजेंसी में गुरुवार को प्रातः करीब 9:45 बजे विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग पहुंची, कर्मियों ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया। एजेंसी में खड़ी गाड़ियों को बाहर निकलवाया और लाखों की क्षति का अनुमान है। एक रिपोर्ट पेश है ये। देहात कोतवाली इलाके के बरहुना स्थित महिंद्रा एजेंसी में आज प्रातः करीब 7:45 बजे विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कंपनी बंद होने से उठता धुआं देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही देहात कोतवाली प्रभारी फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सफलतापूर्वक आग को बढ़ने से रोकने के बाद क्षति का आकलन किया जा रहा है। आग जो है 7:56 पे हमें सूचना मिली है और हमारी गाड़ी जो है तुरंत मौके पर आई। हमारी 3 गाड़ियां अनवरत पंपिंग करती रही और हाई प्रेशर भी लगी थी। गाड़ियों से डबल लाइन बना करके हम आग को पहले फैलने से रोके कि आग की फैलने ना पाए, जिससे कि अन्य जो है चीज़ें प्रभावित ना होने पाए गैस एजेंसी की, इसका गाड़ियां और जो भी एसेसरीज है वो है एजेंसी है। आग इस समय घुस चुकी है और सर्च किया जा रहा है। कंपनी में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद इसकी जानकारी कंपनी के मालिक को दी गई। इसके बाद लोग कंपनी पर पहुंचे। इस दौरान करोड़ों की क्षति का आकलन भी किया जा रहा है। 8 बजे का ये बात है, 67 की बैक ऑफिस से हुआ है ये, लगभग अब कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। मतलब कई करोड़ों में कहा जाए तो कई करोड़ों का नुकसान हुआ है और किसी हताहत किसी को कोई वो नहीं हुआ है। बाकी हमारी जो भी ये शोरूम टोटल है, ये टोटल जला हुआ है, जिसमें कि करोड़ों का नुकसान हुआ है और जो भी कुछ फर्नीचर वगैरह कुछ ऊपर ऑफिस बैक ऑफिस में वो जले हुए। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।